टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में तेज रफ्तार वैगनार कार सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे कार में सवार ग्रेटर नोएडा के रहने वाले चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बुलंदशहर से हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया और मृतकों के शवों को पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैगनार कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर हुआ होगा। ये मडावरे में हुआ जी, और ये लोग वहाँ 9:30 बजे तक इनसे फोन पर भी बात करी है जी, लेकिन बात नहीं हो पाई, फोन रिसीव नहीं करा इन्होंने, और ये घर से निकल गए 6 बजे के लगभग, और रात को जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जाके घर गांव में बताइए 2-4 लोगों ने, तो हो सकता है पुलिस वालों ने पहले किसी से संपर्क करा, 5-7 लोग घर गए, उन्होंने बताया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट जब देखने आए तो चारों की डेड बॉडी, 5 आदमी थे इसमें, एक आदमी को हायर सेकेंडरी उसमें रेफर कर दिया है, वो कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है नोएडा। तो चारों जो मृतक हैं एक ही परिवार के लोग हैं? नहीं, ये 2 ब्राह्मण के लड़के हैं, 2 गुजर हैं, जो तीसरा मेडिकल के लिए रेफर करा है वो भी गुजर है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव लुहारली में रहने वाले पंकज शर्मा, राहुल शर्मा, राजकुमार, सुमेर सिंह सहित 5 लोग इसी वैगनार कार में सवार होकर परिवार को बिना बताए बुलंदशहर जा रहे थे कि गुलावटी सिकंदराबाद मार्ग पर सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे कार में सवार पंकज, राहुल, राजकुमार व सुमेर सिंह की मौत हो गई, जबकि कार सवार एक अन्य युवक घायल हो गया। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को बमुश्किल काम में फंसे होने के कारण निकाल पाई और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल को हार मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।